तीन कृषि कानूनों के विरोध में करीब तीन महीनों से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में सत्रोड़खा पंचायत द्वारा फैसला लिया गया था कि 11 मार्च को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जाए। आज ग्रामीणों ने घरों पर ताला लगाकर विरोध जताने के लिए जी धांसी सड़क मार्ग पर पहुंच गए। हिसार जिले की सीमा के गांव राजसल से शुरू होकर यह प्रदर्शन गांव खेड़ी गगन तक रहा। ग्रामीणों ने सड़क के किनारे खड़े होकर हाथों में बैनर लेकर शांतिपूर्वक तरीके से सरकार का विरोध करते हुए सरकार को जगाने का काम किया। इस दौरान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वो तीनों काले कानून वापस ले, हमें आज रैथल से लेके हांसी तक की मानव श्रृंखला बनानी पड़ी है, हमारी ये मजबूरी है क्योंकि मोदी जी तीनों काले कानून वापस नहीं ले रहे हैं। हमारे माँ बाप दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, कितने सारे किसानों की जान जा रही है, तो हमें लगा कि आज हम भी थोड़ा सा योगदान दे दें। कि बेटी हूँ मैं, ये सपोर्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरे घर वाले दिल्ली बैठे हैं तो उनकी कुछ मांगे पूरी की जाए। हम चाहते थे कि हमारी सरकार काले कानून वापस ले। हम विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव रखा था लेकिन किसी ने हमें वो सपोर्ट नहीं किया। गौतम के पास गए थे हम वोट मांगने, हमें झोली फैला कर वोट मांगे थे, लेकिन उसने क्या किया, वो भी मोदी के साथ जाकर मिल गया। सारे जे फिर मोदी आड़े सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब हमारे गांव में पड़ गए तो उनकी टांगा ने काट देंगे। हमने एक फैसला लिया था सत्रोड़खा अपने, जिस तरह मतलब एक मानव श्रृंखला बनाने के लिए, जिस तरह राथल है, वहनी है, नारनौंद है, माजरा है, माडा है, राजपुरा है, सारे गामा के लोग आज सड़क पर खड़े हैं और ये इन तीनों काले कानून के विरोध में ये मांग कर रहे हैं। जिस बात तो हमारी एक ट्रायल है, इसको बड़ी ट्रायल भी बनाएंगे। एक युवा का यू नमूना था, हम इससे बहुत बड़े कड़े फैसले लेंगे। सरकार ने जो हमारे ऊपर तीन कृषि काले कानून थोपे हैं उसका हम सांकेतिक विरोध कर रहे थे, ये हमारा विरोध करने का संकेत है। उससे पहले हमने किसान महापंचायत करके भी सरकार का विरोध किया था, सड़क के ऊपर भी लिख के सरकार का विरोध किया था। और आज हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो आप किसान मजदूर विरोधी दमनकारी नीतियाँ हमारे ऊपर लागू कर रहे हो, उसके खिलाफ हर जाति में हर वर्ग में आपके खिलाफ भारी रोष है और हमारे आप सब्र का इम्तिहान मत लो। अब तो हम ये सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, अगर कहीं हमारा सब्र टूट गया तो हम सरकार से आर पार लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम शहादत देने से पीछे नहीं हटते। आप इतिहास देख लो, जब जब किसान और मजदूर इकट्ठा हुआ है, सरकार की कमर तोड़ी है, कानून भी तोड़े हैं, न सिर्फ कानून तोड़े हैं, उस कलम से किसान मजदूर ने अपने पक्ष में भी कानून लिखे हैं। मैं तो सरकार से यही चाहूँगा, आप टकराव की स्थिति पैदा ना करें, जितने जल्द हो सके स्थिति को सामान्य कर दे और तीनों कृषि काले कानून वापस ले लो। हमने जी आज यहाँ राजथल गांव जो हमारी स्ट्रीम स्टार्ट होती है, जिन इसलिए का आखिरी गांव हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ से वुमन चैन स्टार्ट की है जो हांसी तक हमने बनाई 30 किलोमीटर की। हम ये चैन बना रहे हैं ताकि लोग हमारी भावना को समझें या हमारे साथ सहानुभूति दिखाएं। इससे क्या है, मोदी के प्रसिद्ध इम्पैक्ट जगह कि किसान जो है इसके कितने खिलाफ है कानून के। ये शांति प्रिय धरने का एक तरीका है कि हम सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाएंगे कि हमें हमारे प्रति सहानुभूति हो, ताकि जो हमारा जो लोगों से प्रति प्रेम जुड़े और ये समझें कि लोग क्या क्या किसानों को समस्याएं हो रही हैं। जी मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, लक्ष्य शर्मा रात। क्योंकि विदाउट फार्मर इंडिया कैन नॉट बी डेवलप्ड, वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो तीनों काले कानून को रद्द करे और हमें हमारे राइट दे। तो आज कितनी लंबी चैन है? आज हांसी से लेकर हम ये चैन बना रहे हैं, राथल से लेकर हांसी तक। मैं किसान की बेटी हूँ तो मेरे लिए पहला राइट ये बनता है कि मैं यहाँ पे सड़क पर खड़े होकर मोदी के खिलाफ आंदोलन करूँ। क्या नाम? अंजलि नाम है मेरा।